नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक व्यूअर ने तमिलनाडु से एक अपने घर का प्लान भेजा है। उनका नाम लिखा उन्होंने, माय नेम इज आई एम लिविंग इन तमिलनाडु, दिस इज कंस्ट्रक्टेड हाउस प्लान, दिस इज डायगोनल, सो आई डिसाइडेड टू आल्टर दिस हाउस मेन डोर किचन एंड टॉयलेट, प्लीज सजेस्ट प्रॉपर प्लान इज सर। थैंक यू सर, आई विल सेंड प्लान विद डायरेक्शन सर, दिस इज कंस्ट्रक्टेड फार्म हाउस सर, केरला हिल स्टेशन, केरला किसी हिल स्टेशन पर है, मेन डोर इज नॉर्थ वेस्ट 300 डिग्री सर, सो आई एम कन्फ्यूज, दिस इज डायगोनल, टॉयलेट इज इन द साउथ ईस्ट 120 डिग्री, किचन इज इन द नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री, मेन डोर इज 300 डिग्री नॉर्थ वेस्ट एज पर एप्पल फोन कंपास। कंपास जो आजकल मोबाइल अच्छे जो आ रहे हैं उनमें कंपास होता है, अच्छी रीडिंग देता है, सही होती रीडिंग ज़्यादातर। तो अब जिस तरह उन्होंने बताया है तो 30 डिग्री पर यहाँ पर आ रहा है, ये मतलब यानी कि 30 डिग्री वो 45 डिग्री, सेंटर 45 डिग्री होता है, टोटल 1 डिग्री 90, यहाँ से 90 डिग्री होता है। तो इन्होंने जो है इसमें आया नहीं, यहाँ ये यहाँ नॉर्थ है इनका, ये जो प्लान है दूसरा पता नहीं क्यों ये नॉर्थ यहाँ आया है, यहाँ नॉर्थ शो किया 30 डिग्री है, ठीक है ना। यदि यहाँ से करते तो यहाँ तक यानी नॉर्थ यहाँ होता और ये ईस्ट यहाँ होता तो 90 डिग्री 45 डिग्री पे ईशान को ना आता, अब 30 डिग्री पे यहाँ आ रहा है, मतलब नॉर्थ इधर ही है, यानी इसकी लंबाई यूँ लेंगे तो नॉर्थ यहाँ कहीं आ रहा है, जब नॉर्थ यहाँ आ रहा है तो ये इसको नॉर्थ माना जाएगा, ऐसे ईस्ट ये साउथ और ये वेस्ट। और डायगोनल मतलब क्या होता है, 45 डिग्री तो डायगोनल होता है, जब कोने पे दिशा आ जाए ऐसे यहाँ कोने पे आ जाती दिशा तो फिर नॉर्थ ही हो जाता, और 45 डिग्री होता नॉर्थ ही हो जाता, ठीक है ना। और तो ये नॉर्थ है, उसके हिसाब से देखा जाए तो एंट्री ये ठीक है, मेन डोर यहाँ से जाके अंदर जा रहे हैं तो वेस्ट में यहाँ से जा सकते हैं, ये पोर्टिको बना ये भी ठीक है, पर ये कि यहाँ से यूँ होके जाते हैं इनको थोड़ा इसको बढ़ा लें, यूँ आगे तक बढ़ा लें, यहाँ से अंदर जाएँ इसी का पार्ट हो जाए, ये कट नहीं रहे तो क्या होगा, अभी कह रहा है यहाँ से आके उत्तर वायव्य से जा रहे हैं, ये उत्तर दिशा हो गई, उत्तर वायव्य से जा रहे हैं, नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट से जा रहे हैं, यदि यहाँ तक कर लेते हैं भले जाए यहाँ से तो क्या रहेगा, घर में एंट्री जो हो रही है वो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट से हो रही है, हाँ नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट से नहीं, तो ये हो जाएगा इससे वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम वायव्य से एंट्री हो जाएगी जो अच्छी होगी, ये एंट्री ठीक है, ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ना बड़ा अच्छी बात है, पश्चिम में इस तरीके से मतलब पश्चिम दिशा तो इसलिए बढ़ सकता है। ये रूम का दरवाज़ा गलत है, ये दरवाज़ा इन्होंने जो बताया ये नृत्यकोण का हो गया, कोई ये दक्षिण पश्चिम है, नृत्यकोण का द्वार अच्छा नहीं होता है, ये द्वार इनको यहाँ लाना चाहिए, ये द्वार सही है, किचन का द्वार ये हो गया नृत्यकोण का, ये हो गया पश्चिम, तो ये पश्चिम नृत्य का हो गया, ये द्वार भी गलत है, ये द्वार यहाँ कहीं आना चाहिए, और ये बढ़ाव अब ईशान कोण का बढ़ाव हो गया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण का बड़ा हो गया, पर एक बात है अब किचन इनका यहाँ पर ईशान कोण में, ईशान कोण में किचन होने पर यहाँ रहने वालों को सामान्य सफलता मिलती है, परिवार की बुजुर्ग महिला, बड़ी माँ, बड़ी बेटी, जो बड़ी होती है वो धार्मिक प्रवृत्ति की होती है और साथ में घर में कला भी रहती है, तो किचन यहाँ नहीं होना चाहिए, किचन इनको यहाँ के शिफ्ट कर लेना चाहिए अग्नि कोण में, क्योंकि ईस्ट है अग्नि कोण में आ जाना चाहिए। ये फिर ये ने यहाँ भी दिया तो ये नृत्य कौन से अंदर जा रहे हैं, दरवाज़ा यहाँ आना चाहिए, ये भी गलत है, टॉयलेट चल सकता है पर इसका ईस्ट है ये चलेगा, ये दरवाजे चल सकते हैं सेंटर में आ रहे लगभग चलेगा, ये दरवाज़ा भी सही इस कमरे के हिसाब से सही है, तो ये इनमें कोई दिखा, पूजा रूम जो आ रहा है अग्नि कौन में आ रहा है, पूजा रूम इसको फिर से पूजा रूम को इधर शिफ्ट करें, किचन को इधर शिफ्ट करें, इसका कुछ प्लानिंग करो ज़्यादा अच्छा है, जो उन्होंने डिग्रियाँ लिखी उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये किचन तुमको बदलना चाहिए, पूजा रूम इधर ले आना चाहिए, ये बेडरूम ठीक है ठीक है, और इसको यहाँ बढ़ा लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको भी पसंद आया होगा। नमस्कार।